So hi friends, this is Parthan. Today's video I'm going to talk about what are the YouTube channels I follow as an MBA student. So इस तरीके की मेरी वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी, इसमें कि मैंने बताया था कि what are the YouTube channels I follow as a NEET aspirant. But जैसे जैसे time change होता है, from NEET I came into MBBS and उसी तरीके से मेरी YouTube की preferences भी change हुई. So आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे कि कौन कौन से चैनल मैं फॉलो करता हूँ. मेनली मैं बता रहा हूँ अपने पढ़ाई रिलेटेड चैनल, बट साथ ही साथ मैं आपको मैं कुछ ऐसे चैनल के बारे में बता रहा हूँ जो कि मैं अपने फ्री टाइम में देखता हूँ एंड लाइक जस्ट आई हैव फन टू वॉच एंड ऑल्सो आई लर्न समथिंग फ्रॉम देम. सो लेट्स स्टार्ट. सो नीट के टाइम पे आई डू नॉट यूज टू फॉलो मच एजुकेशन रिलेटेड और स्टडी रिलेटेड यूट्यूबर्स बिकॉज मेरी पढ़ाई मोस्टली हो जाती थी, मुझे अच्छे टीचर्स मिल जाते थे एंड मेरे डाउट्स वगैरह भी सब क्लियर हो जाते थे, तो मुझे ऐसा ऑनलाइन पर कुछ डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. बट जब हम MBBS में आते हैं तो ऐसा केस नहीं रहता है बिकॉज हमें खुद ही पढ़ना होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोफेसर हमें पढ़ा रहे होते हैं बट काफ़ी टाइम वो समझ में नहीं आता है, काफ़ी टाइम ऐसे ही होता है कि हाँ भाई वो क्लास हो गई एंड सब कुछ ऊपर से निकल गया. सो कमिंग टू स्टडी रिलेटेड चैनल फर्स्ट, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा नजीब सर का, तो इनको तो लगभग सारे MBBS स्टूडेंट जानते ही हैं बिकॉज ये सबसे पहले आए थे शायद यूट्यूब पर MBBS के पढ़ाने एंड इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंसेप्चुअली ये पढ़ाते हैं. बस एक ड्रॉबैक है इनके कंटेंट में कि ये लेक्चर्स काफ़ी लंबे होते हैं, दो दो तीन तीन घंटे के. सो आप इनका कंटेंट जब तक दे सकते हो जब आप लाइक कॉलेज में हो, कोर्स चल रहा है उस टाइम पर, एंड लास्ट टाइम पर अगर आप इनका कंटेंट देखते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आती है बिकॉज लंबे लेक्चर्स हैं. एग्जाम के टाइम पर हमारे पास ना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक लेक्चर को पढ़ें. सो इनका लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप अपने कोर्स से गुजर रहे हो तभी इनके लेक्चर्स देखो. सेकेंड चैनल है निंजा नट, ये भी एक बहुत ही अच्छा चैनल लगता है मेरे को, बहुत ही मतलब मज़ेदार से जो सर हैं बहुत ही अपने स्टाइल से पढ़ाते हैं. तो इनका बस इनका भी यही ड्रॉबैक है कि इनके भी लेक्चर्स लंबे हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है अपना फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में, बायोकेमिस्ट्री में, इनके लेक्चर्स देख दो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देंगे तुम्हारा. बट अगर तुम एग्ज़ाम टाइम पर हो एंड तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे चैनल आगे सजेस्ट करता हूँ. सो ये दोनों चैनल थे MBBS के टाइम पर कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए. जब आप पूरा वन ईयर गुजार रहे होगे तो आप इनसे ज़रूर पढ़ो अगर आपके पास टाइम है. इसके बाद आते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर, जब एग्ज़ाम से एक दो महीने तीन महीने हम पहले होते हैं एंड जब हमें चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं तो कौन से चैनल्स के पास जाएं जो कि शॉर्ट टाइम में हमें अच्छा कंटेंट दे सकें. तो सबसे पहला चैनल मैं बोलूँगा वो है अक्षत जुनेजा सर का, जो कि अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज में है जो कि जबलपुर में है, और बहुत उनका अच्छा कंटेंट है. मैं कहूँगा कि बेस्ट कंटेंट है इन टर्म्स ऑफ कि शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट दिया जा रहा है. तो इनका कंटेंट मतलब कि कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो आधे घंटे से बड़ी है, बट इन्होंने हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रखा है एंड हर एक कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट 10 मिनट के अंदर समझा रखा है. मतलब जो तुम्हें नजीब सर या निंजा नर्ड आधे घंटे में समझाएगा वो सर 10 मिनट में समझा देते हैं एंड ऐसा समझा देते हैं कि तुम्हें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कुछ लूज हो जाएगा, तुम कुछ छूट जाएगा तुम्हारा, बिकॉज उनका पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि वो स्लाइड्स वगैरह से पढ़ाते हैं जिस वजह से फास्ट पढ़ाई हो जाती है इन कंपेयर टू बोर्ड पे. क्या होता है कि आपको लिखना होता है बोर्ड पर, आप चीज़ें कई बार रिपीट कर रहे होते हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे टाइम बढ़ जाता है. लेकिन यहाँ पर बहुत कम टाइम की वीडियो होगी जिस वजह से आप बहुत जल्दी चीज़ों को रिवाइज या पढ़ पाओगे. इसी तरीके से कम टाइम में ज़्यादा समझाने वाले चैनल की लिस्ट में आता है, दूसरा नंबर पर है एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस. ये चैनल बेस्ट ऑफ बेस्ट चैनल है मेरे को एनाटॉमी के लिए लगा, बहुत ही अच्छे से कागज पेन पर समझाते हैं बट ट्रस्ट मी इतना मज़ा आ जाता है, एक एक कॉन्सेप्ट एनाटॉमी का तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुम्हें याद भी हो जाएगा और तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे. ऐसा नहीं है कि तुम रट्टू टूटा के तरह पढ़ रहे होगे, ठीक है. तो कुछ टॉपिक जो कि अक्षत सर के चैनल पर नहीं है तो वो मैंने इनके चैनल से पढ़े एंड इनके चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट लगा मुझे. ट्रस्ट मी एनाटॉमी से तुम्हें प्यार हो जाएगा, तुम एक बार उनसे पढ़ोगे तुम्हें अच्छा लगने लगेगी एनाटॉमी. अगर तुम्हें एनाटॉमी से डरते हो उनसे पढ़ना तुम्हें बेस्ट हो जाएगी तुम्हारी एनाटॉमी, ठीक है, तुम्हें इजी लगने लगेगी बहुत. तीसरा चैनल जो कि इस लिस्ट में आता है वो है राजेश जामुलकर सर का, जो कि बायोकेमिस्ट्री स्पेशली के लिए बना हुआ है. तो इस चैनल पर आपको बायोकेमिस्ट्री का सारा मटेरियल मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सब डाला हुआ है बायोकेमिस्ट्री का, एंड
इनका जो पढ़ाने का तरीका है वो इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये पेपर वाइज पढ़ाते हैं, लाइक कि एग्ज़ाम में तुम्हें कैसे लिखना होगा आंसर, ठीक है, रैंडमली नहीं पढ़ा रहे होते हैं ये, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मैनर में तुम्हें पढ़ाएंगे जो भी चीज़ पढ़ाएंगे। सो तुम्हें पता चल रहा होगा कि हाँ भाई ये इस तरीके से, मान लो फ्री रेडिकल पढ़ाया या कोई भी कैंसर पढ़ाया, ठीक है, तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि हाँ भाई इसमें ये पूछा जाता है एंड इसमें इस तरीके से तुम्हें लिखना है। सो ये तीनों जितने भी चैनल मैंने बताए ये तुम्हारी एग्ज़ाम प्रिपरेटरी के लिए अच्छा है, जो कि इंडियन अपने को एग्ज़ाम देने होते हैं, ठीक है, टर्मिनल एग्ज़ाम या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के हैं, तो एग्ज़ाम प्रिपरेटरी के लिए तीनों अच्छे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए और डीप स्टडी के लिए अगर तुम जानना चाहते हो तो जो मैंने दो चैनल पहले बताए थे वो बेस्ट हैं, हालांकि वो एग्ज़ाम टाइम में तुम्हारे काम कम आएंगे। इसके बाद कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि मैं अपने फ्री टाइम में देखता हूँ एंड कुछ इनमें से मेडिकोज हैं एंड कुछ नॉर्मल लोग हैं जो कि मेरे को अच्छे लगते हैं या मेरे कुछ आइडियाज़ से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला चैनल जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे वो है अनुज पंचील सर का। तो सर अभी सेकेंड ईयर MBBS में हैं GMC नागपुर में एंड इनका कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है एंड अनमैचेबल है किसी भी यूट्यूबर से, बिकॉज मतलब अलग ही है एंड इस तरीके का कंटेंट इंडिया में कभी ने किसी ने नहीं बनाया था, बट ये पहले आए हैं एंड इनसे मुझे पता चला कि इस तरीके का भी कंटेंट होता है। तो सर का कंटेंट मतलब तुम्हें एक ब्यूटीफुल लगता है, मतलब एक तरीके से तुम्हारे दिमाग को अच्छा लगेगा बहुत, ठीक है, उसमें वो कभी कभी तुम्हें व्लॉग्स वगैरह दे रहे होंगे, मेडिकल लाइफ के बारे में बता रहे होंगे, कभी कभी तुम्हें कैसे पढ़ना है वो सब बता रहे होंगे। तो हाँ, तुम जैसे फ्री टाइम में देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आते हैं अली अब्दाल, तो ये एक जूनियर डॉक्टर हैं एंड इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, मतलब प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड ही है जैसे अनुज पंचील सर का है वैसा ही है, बट इनके कंटेंट में जैसे ये बुक्स वगैरह की रिव्यू करते हैं एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि सोचने वाली होती हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें बता रहे होते हैं जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं या फिलोसॉफिकल थॉट्स इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, तो बेस्ट है, मतलब देख सकते हो तुम फ्री टाइम में। इसके बाद दो चैनल जो मैं देखता हूँ कभी कभी एंड ये मेडिकल फील्ड से लेन देन नहीं है इनका, तो सबसे पहले है अर्थलिंग एड, तो ये एक्चुअली मैं वीगन हैं एंड जैसे आपको पता होगा मैं वीगन हूँ, तो इनका चैनल है एक अकेला चैनल मुझे लगता है कि जो वीगन से रिलेटेड है और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, तो ये बहुत सारी वीगन रिलेटेड बातें बताते हैं, मस्ट वॉच, आप लोगों में से जो भी मेडिको हैं आपको ये सब पता होना चाहिए, तो ज़रूर जा करके एक बार विजिट करना। दूसरा चैनल है स्क्रीन रेसिपीज, तो मुझे थोड़ा बहुत डाइट वगैरह में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है कि खाना कैसे हम अच्छा बनाएं, टेस्टी खाना, तो इनके मैं वीडियो देखता हूँ, बहुत सारी मेरी रेसिपी जो मैं अपने पेशेंट वगैरह को देता हूँ जो मेरे पास आते हैं थायराइड वगैरह डायबिटीज़ वगैरह के रिवर्सल के लिए, तो इनके थ्रू ही मैंने वो सीखी हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं डायबिटीज़ एंड थायराइड के पेशेंट कैसे लेता हूँ एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मतलब कि लाइक मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा, तो एक्चुअली मेरा एक वेंचर है डॉक्टर बुद्धा एंड वहाँ पर मैं लोगों को ठीक करता हूँ उनकी लाइफस्टाइल डिजीजेस जो कि रिवर्स हो सकती हैं, उनको रिवर्स करने में मदद करता हूँ। तो अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हो तो आप मेरे डॉक्टर बुद्धा चैनल विजिट कर सकते हो, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं। इतना ही मुझे कहना था, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, लाइक कर देना यार एंड नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है इस तरीके की वीडियोज़ बनाने में, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको और इस तरीके का कंटेंट देते रहूँ। तब तक के लिए मिलता हूँ यार, फोड़ते रहो, मचाते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।